क्या फॉरएवर में हर महीने सामान खरीदना पड़ेगा तब जाके पैसा आएगा? क्या हर महीने 60,000 रुपए के प्रोडक्ट जेब से खरीदने पड़ेंगे? आप हमारी कंपनी में आ जाओ, यहां पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। फॉरएवर के प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके मार्केटिंग प्लान के अंदर पैसा नहीं है। आपके प्लान में हर महीने एक्टिव रहना पड़ता है। यह प्लान पुराना हो चुका है, आप हमारे नए प्लान को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और पैसा हर महीने आता रहेगा। फॉरएवर में हर महीने 4 CC करनी पड़ती है। दोस्तों, ये सारे सवाल एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेटिव को बहुत बार आते हैं, और इसी वजह से 90% लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। और ये सारे सवाल किस रिलेटेड है? 4 CC के रिलेटेड है। दोस्तों, वो लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि फॉरएवर में 4 CC करना पड़ता है, वो लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को जब 4 CC के बारे में गाइड नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति फॉरएवर के 4 CC के बारे में मिस गाइड कर देता है। वो बोल देता है कि इसमें तो आपको 20,000 रुपए कमाने के लिए हर महीने 60,000 रुपए की परचेजिंग करनी पड़ेगी, यहां आपको हर महीने 4 CC करना पड़ेगा, यहां पे आपको हर महीने अपनी जेब से खर्च करके सामान खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल वो बता देते हैं, क्योंकि वो पहली बार ऐसा सुनते हैं, वो वाकई मिसगाइड हो जाता है। अगर आप पहले 4 CC के बारे में बता देते हैं, तो कोई व्यक्ति उस प्रोस्पेक्ट का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये गलती हमारी है दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स फॉरएवर के 4 CC के बारे में बताते ही नहीं है। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट को 4 CC के बारे में गाइड नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोस्पेक्ट कभी भी आपको फोन करके ये बोल सकता है कि मैं आज के बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं करूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सभी सवालों की प्रोडक्टिव जवाब दूंगा और निष्पक्ष जवाब दूंगा। ये नहीं कि फॉरएवर की तरफ से बोलूंगा, बिल्कुल निष्पक्ष बोलूंगा। मुझे 10 साल हो चुके हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि 4 CC क्या है, 4 CC क्यों करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। दोस्तों, ये हमारा सेकेंडरी चैनल है पूनम मूंड लाइव, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों, व्हाट इज 4 CC? 4 CC क्या है? दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक्टिव रहने के लिए 1+3 उसको 4 CC बोलते हैं। यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की फाउंडेशन, मार्केटिंग प्लान की फाउंडेशन ही 4 CC है। 1 CC का प्रोडक्ट फॉरएवर कहता है कि आप अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए हर महीने इस्तेमाल करिए। दोस्तों, जिस दिन फॉरएवर की 4 CC की पोटेंशियल समझ आ जाएगी, उस दिन आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। फॉरएवर का बेस है 4 CC, फॉरएवर की रीढ़ की हड्डी है 4 CC, फॉरएवर का बिजनेस है 4 CC। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें 4 CC करना पड़ता है, और फॉरएवर आपको कहता है कि इसमें आपको सिर्फ 4 CC ही करना पड़ेगा। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है जिसमें कुछ समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है, लेकिन फॉरएवर आपको D1 से बताता है कि आपको यहाँ 5,000 से लेके 5 करोड़ तक की पोटेंशियल मिलेगी, काम सिर्फ आपको 4 CC ही करना है। अब 4 CC में क्या करना है? 1 CC के प्रोडक्ट अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए हर महीने खोल लीजिए और उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। 1 CC आपका हो गया, और जो बचे हुए 2 CC हैं, उनकी आप रिक्रूटमेंट करके, यानी कि नए लोगों को रिक्रूट करके 3 CC का बिजनेस कर सकते हैं। ये होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का 4 CC। और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में सिर्फ काम ही इतना ही करना है आपको, D1 से इसी पे फोकस करना है कि 1 CC के प्रोडक्ट मैं अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करवाऊंगा, और 3 CC के प्रोडक्ट मैं नए डिस्ट्रीब्यूटरों को दूंगा, यानी कि उनको रिक्रूट करके, उनकी ज्वाइनिंग करवा के 3 CC का बिजनेस करूंगा। सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों के सवाल रहेंगे कि सर, कोई भी इंसान शुरू शुरू में ज्वाइन करता है, वो 1 CC कैसे अफोर्ड कर सकता है अपनी फैमिली के लिए? तो दोस्तों, इसका बहुत प्यारा सा डिजाइन करा हुआ है, 1+3 प्रोडक्ट खाओ फ्री। यानी कि 1 CC आप कर लेते हैं और 3 CC विद प्रोस्पेक्ट करते हैं, तो जितना प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उतना पैसा आपको आ जाता है। अब आप बोलेंगे कि जितना चेक आ रहा है उतना तो घर पे खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों,
यही चीज आप रिपीट करेंगे 2-3 महीने तक, तो आपकी टीम बन जाएगी। जब टीम बनेगी तो आपको चेक बड़ा आने लग जाएगा और 1 सीसी आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा अपनी फैमिली में यूज करना। ये जरूरी कब है दोस्तों? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मैनेजर बनने के बाद शुरुआत करनी है, सुपरवाइजर बनने के बाद शुरुआत करनी है, जब आपको 1 लाख रुपए आने शुरू हो जाए तब शुरुआत करनी है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जब तक आप 4 सीसी की फाउंडेशन को समझेंगे ही नहीं तो आपको पैसा आएगा कहां से? अगर आप दुकान बनाते हैं, बहुत बड़ी दुकान बना लेते हैं, प्यारी सी सजा लेते हैं, बहुत सारा सामान उसमें डाल लेते हैं, लेकिन जब तक आप दुकान का शटर नहीं उठाएंगे पैसा कहां से आएगा? अब कोई आपको बोले कि जब आपको महीने की 20,000 रुपये आने लग जाए तब जाके दुकान खोल लेना। दोस्तों पैसा तो तभी आएगा ना जब दुकान आप खोलेंगे। तो 4 सीसी अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो day 1 से 4 सीसी पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में 30 दिन में सिर्फ एक ही तो काम करना है कि 1 सीसी का प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करना है, 3 सीसी के प्रोडक्ट नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करना है। इतना ट्रेनिंग सपोर्ट है, इतना सारा सिस्टम बना हुआ है, आप सारे लेवल इस पे झोंक दीजिए। सारे लेवल, सारी इनकम लेवल, जितनी इनकम है वो सारी 4 सीसी के अंदर ही छिपी हुई है दोस्तों। जब आप 4 सीसी करके 15 लोगों को यही काम सिखा देते हैं तो हर महीने कितना सीसी होता है? 60 सीसी होते हैं। आप 2 महीने में मैनेजर बन जाते हैं दोस्तों। द की ऑफ सक्सेस, 4 सीसी ओपन बिजनेस, 1+3। जिस दिन आपको ये की समझ आ जाती है आप कितनी भी बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। आपको ये एक ऐसा प्लान मिल जाता है, एक ऐसा हाईवे मिल जाता है जिससे आप अपनी गाड़ी को किसी भी रफ्तार में चला सकते हैं दोस्तों। अब पैसा कमाने का एक जेन्युइन कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिशनल और फॉरएवर का। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बस 2 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे आपको हर महीने 20,000 आएंगे, घर बैठे आपको 30,000 आएंगे। ऐसा अगर कोई किसी भी इंसान को बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति, तो वो चोर है, वो झूठा है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली दुनिया के किसी कोने के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार बस 2 लाख रुपए दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपको हर महीने पैसा आता रहेगा। अगर हर महीने पैसा कमाना चाहते हो तो हर महीने काम भी करना पड़ेगा आपको। हम कंपैरिजन करते हैं फॉरएवर का और ट्रेडिशनल मार्केट का। ट्रेडिशनल के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, 10,000 रुपए कमाना चाहता है, तो उसको मिनिमम 1 लाख रुपए की सेल करके दिखानी पड़ती है। या फिर वो अपनी खुद की नौकरी करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है, दुकान खोलता है, 10,000 रुपए कमाने के लिए हर महीने उसको 1 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेडिशनल का। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है कि उसको हर महीने उसकी दुकान में 1 लाख रुपए की सेल रिपीट करनी पड़ेगी। जिस जिस महीने चाहिए उस महीने के अंदर उसको 1 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। अब वो चाहता है कि 10,000 से मेरी फैमिली नहीं चल रही, मैं 20,000 रुपए कमाना चाहता हूं, तो बस एक सिंपल सा काम करना है कि 1 लाख की जगह उसको 2 लाख रुपए की सेल हर महीने करनी पड़ेगी। या वो चाहता है कि 30,000 रुपए कमाना चाहता हूं तो 3 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी, और अगर 50,000 रुपए कमाना चाहता है तो 5 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी हर महीने। और अगर वो 1 लाख रुपए कमाना चाहता है तो हर महीने उसको 10 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसकी दुकान से हर महीने 10 लाख का सामान बिकता है, तो आप जवाब दीजिए कि उसको स्टॉक कितना रखना पड़ेगा। अगर 10 लाख रुपए की रिपीट सेल हो रही है, रिपीट टर्नओवर हो रही है, तो स्टॉक कितना रखना पड़ेगा? कमेंट करके अभी बताइए। मेरा मानना है कि मिनिमम उसको 30-40 लाख रुपए का स्टॉक रखना पड़ेगा। अगर हर महीने 1 लाख रुपए की सेल हो रही है तो उसको 3-4 लाख रुपए का स्टॉक रखना पड़ेगा। अगेन वहीं पे आ जाते हैं कि अगर कोई इंसान मार्केट में 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो उसको पहले तो 3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, फिर कंडीशन है कि रिपीट हर महीने 1 लाख रुपए की सेल डालनी पड़ेगी,
क्योंकि 10% का फंडामेंटल चल रहा है, चाहे नौकरी में चले जाओ चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लीजिए। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, किसी भी एंगल से चेक कर लेना। अगर वो 20,000 रुपये कमाना चाहता है तो उसको स्टॉक रखना पड़ेगा कम से कम 6,00,000 रुपये का, और अगर 1,00,000 रुपये कमाना चाहता है तो कम से कम 50,00,000 रुपये का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा उसको हर महीने अपनी दुकान में। ये फंडामेंटल है और ये सच्चाई है दोस्तों। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करिए दोस्तों। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे पास 2-3 लाख रुपए नहीं है और फिर भी मेरे को नीड है कि मैं 10,000 रुपए कमाऊं, तो दोस्तों उसका वेलकम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। पहले महीने वो 13,500 रुपए कमा सकता है सिर्फ 1+3 करके। मैंने एक आइडिया अप्रोक्सीमेटली बताया है, 57,000 रुपए की ओपन सेल होती है तो उसको 13,500 रुपए मिल जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि 13,000 से काम नहीं चल रहा, मेरे को तो 20,000 रुपए चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली एक्सपेंस ज्यादा है, तो उसको 1,00,000 रुपए या 1,20,000 की सेल नहीं करनी पड़ेगी, उसको उसी सेल को मेंटेन करना है, उसी 4CC को मेंटेन करना है अगले 2 से 3 महीने। बाय डिफॉल्ट उसकी इनकम 20,000 पे चली जाएगी। अब वो चाहता है कि मुझे यार 1,00,000 रुपए चाहिए, मुझे किसी हाइपर सिटी के अंदर रहना है जहां मेरा खर्चा 1,00,000 रुपए होता है, उसी सेल को उसी 1+3 को 1 साल मेंटेन करना है, बाय डिफॉल्ट उसकी इनकम 1,00,000 की क्रॉस कर जाएगी। 2,00,000 कमाना चाहता है तो भी 1+3 करनी, और 10,00,000 रुपए कमाना चाहता है तो भी 1+3 करनी पड़ेगी। दोस्तों इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन बिजनेस प्लान है तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का 4CC ओपन बिजनेस, क्योंकि आपको डायरेक्टली एक ही प्लान मिलता है कि आपको बस इतना काम करना है, आपको बस 4CC करना है। अगर आप अपनी टीम के अंदर एक जबरदस्त ग्रोथ देखना चाहते हैं तो 4CC के बारे में गाइड करना शुरू कर दीजिए। जो लोग ये सोचते हैं कि 4CC के बताने के बाद ये बिजनेस नहीं करेगा, तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं, क्या उसको बाद में पता नहीं लगेगा? और मैं कहता हूं मेरे को समझ नहीं आ रही कि इतना बेहतरीन पॉइंट आप क्यों नहीं बता रहे। यही तो सबसे बड़ा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें 4CC ही करना है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जैसी होती हैं जिसमें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, इसमें तो डायरेक्टली हमें मिलता है कि इसमें 4CC ही करना है, हमें इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अब बात करते हैं कि 4CC कैसे करना है, हाउ टू डू 4CC। दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी हेल्थ चाहिए, जिनको सुंदर दिखना है, जिनको हमेशा हेल्दी रहना है, जिनको फिट रहना है। ऐसे पूरी दुनिया के अंदर 20 कस्टमर ढूंढ लीजिए जो सिर्फ आपका प्रोडक्ट यूज करने वाले बनेंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर, फॉरएवर ग्लोबली है, पूरी दुनिया के अंदर 20 कस्टमर ढूंढ लीजिए जो रिपीट आपका प्रोडक्ट खरीद सके। द बेस्ट वे 3% न्यू रिक्रूटमेंट विद 1CC, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि 1CC का प्रोडक्ट आप अपने पास रखिए और 3CC के प्रोडक्ट नई रिक्रूटमेंट करके 1CC के साथ आप अपना 3CC कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस हमेशा उसी स्पीड से चलता रहे तो ये दोनों तरीके अपने 4CC के अंदर लागू कर लो। दोस्तों आपको अगर इस बिजनेस के अंदर सफल होना है, फाउंडेशन बनानी है, तो 2 काम कर लीजिए। पहला काम, आपके 20 कस्टमर बना लीजिए जिनकी ID ओपन करवा के वो कभी 2CC अपना करेंगे नहीं तो वो नए डिस्ट्रीब्यूटर ही होंगे, और नए डिस्ट्रीब्यूटर चाहे 20 साल के बाद भी खरीदेंगे तो वो भी आपके 4CC के अंदर काउंटेबल रहेगा। यानी कि आपने 20 कस्टमर बना ली, उनकी ID लगा दी, वो अपना 2CC नहीं कर रहे हैं, वो कभी कोई एलोवेरा ले रहा है, कोई टूथपेस्ट ले रहा है, कोई हनी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई शैम्पू ले रहा है, इसमें से छोटे छोटे पॉइंट, किसी ने 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 100 पॉइंट, 2,000 पॉइंट या 3,000 पॉइंट का जब कर लेंगे तो आपके 3CC तो वैसे ही हो जाएंगे।
बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि 4cc सिर्फ उतनी काउंटेबल रहती है कि आपने फरवरी महीने की 4cc करनी है तो फरवरी महीने के अंदर किसी को ज्वाइन कराया उसी की काउंटेबल रहेगी। दोस्तों आपके एक्टिवेशन में उस इंसान की तब तक काउंटेबल रहेगी जब तक वो अपना 2cc कंप्लीट नहीं कर लेता, यानी कि आपका कस्टमर जब तक अपना 2cc कंप्लीट नहीं करेगा तब तक काउंटेबल रहेगा। दोस्तों ये दोनों अगर तरीके आप लगा लेते हैं और 4cc को मेंटेन कर देते हैं तो दोस्तों क्या मिलता है, इतनी इनकम मिलती है आपको, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, रिटेल प्रॉफिट, वॉल्यूम बोनस, पर्सनल बोनस, ऑटोमेटिक रिटेल प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपको मिलती है दोस्तों सिर्फ 4cc करने पे। अब नेगेटिविटी क्यों आती है, रीजन क्या होता है कि नेगेटिविटी आती है, क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों जब छोटा बेबी होता है, मान लीजिए वो शेर का बच्चा भी है ना, तो भी उसको जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है कि जंगली जानवर उसको खा ना जाए। आप सोच के देखिए, शेर के बच्चे को भी डर रहता है क्योंकि वो अनमेच्योर होता है, उसको कोई भी खा सकता है। तो आपका प्रोस्पेक्ट अनमेच्योर होता है। अगर कोई व्यक्ति मार्केट का कोई भी कलाकार आ गया और उसको बता दिया कि आपको इसमें बिजनेस में हर महीने 4cc करनी पड़ेगी, जो एक नेगेटिव पॉइंट है, हर महीने जेब से 60,000 रुपये की सेल डालनी पड़ेगी, तो अब तक वो बच्चा है। अपनी टीम को गाइड करिए, अपनी टीम को नेगेटिविटी से बचा के रखिए, कुछ समय के बाद वो बच्चा यही रूप ले लेगा दोस्तों। और जब ये रूप ले लेगा तो जंगली जानवर देखते ही भाग जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करिए, गाइड करिए। अगर आप गाइड करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति मिसगाइड नहीं कर सकता। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस भी कर लेना दोस्तों। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।